हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम देखेंगे लोकस डायग्राम। ठीक है, तो इसके ऊपर भी वही कई बार गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, ध्यान से समझना, इजी टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, लोकस डायग्राम का मीनिंग क्या होता है। द पाथ ट्रेस्ड बाई द टिप ऑफ करंट वैक्टर बाई वेरिंग एनी ऑफ द सर्किट एलिमेंट और बाई बेरिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज करंट लोकस। अगर मैं करंट लोकस की बात करूँ तो करंट की वेरिएशन, कोई आपके पास इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, या सर्किट का कोई और एलिमेंट, जिसको बेरी करने के बाद जो आपकी डायग्राम बनेगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं भाई लोकस, राइट। और वो अगर करंट की लोकस देख रहे हैं, मींस करंट की वेरिएशन देख रहे हैं, तो करंट लोकस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर वोल्टेज की देखेंगे तो वोल्टेज लोकस हो जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, करेक्ट हो इतनी बात। जो लोकस डायग्राम है, दूसरा पॉइंट, लोकस डायग्राम आर यूजफुल फॉर एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ सर्किट। क्लियर है भाई पॉइंट। चलिए अब वन बाय वन देखते हैं भाई इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो केस नंबर वन देखिए, केस नंबर वन, ठीक है, घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, ठीक है। मैं तो आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आपने लोकस डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एसी सप्लाई है और यहाँ पे मेरे पास सीरीज आरएल सर्किट है, ये मान लीजिए आरएल सर्किट है, मान लीजिए यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई ऑफ टी, और अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ, मान लीजिए प्लस माइनस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जे है, ठीक है, और जो सप्लाई है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मान लीजिए एफ है, राइट। और पहला केस है बाई वेरिंग एल, ठीक है, इफ़ एल इज़ वेरिएबल, इफ़ एल इज़ वेरिएबल, ठीक है। तो आई टी की आप वेरिएशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एल, ऐसे आप अज्यूम कर सकते हो, करेक्ट हो इतनी बात। तो पहले, सबसे पहले हमने करंट आई टी की इक्वेशन निकाल देनी है विद रिस्पेक्ट टू, बोलो किसकी विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एंड आर एंड एल, क्लियर। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपकी आई ऑफ टी की होगी, दैट इज़ आई ऑफ टी, दैट इज़ नथिंग बट, हाँ जी, वोल्टेज की जो फेज वैल्यू होगी डिवाइड बाई रेजिस्टेंस प्लस जे ओमेगा इंटू एल, करेक्ट हुई इतनी बात। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो बोलो जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वोल्टेज डिवाइड जेड का मैग्नीट्यूड, वोल्टेज को रेफरेंस मान लीजिए जीरो डिग्री है, इसका एंगल मान लीजिए थीटा है, ठीक है। तो आई टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वोल्टेज डिवाइड बाई जेड इंटू एंगल ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। और जो थीटा एंगल होगा राजी, वो क्या होगा, इम्पीडेंस जेड क्या बनेगा यहाँ पे, आर प्लस जे ओमेगा एल होगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू जो होगी, दैट इज टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, क्लियर है अभी पॉइंट। जे आपके पास क्या होगा राजी, थीटा होगा, यहाँ तक करेक्ट हुई इतनी बात। ये जो अगर मैं एक्स एल की बात करूँ, वो आपके पास ओमेगा इंटू एल हो जाएगा, साथ में जे होता है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँगा तो ओमेगा एल हो जाएगा, राइट। जहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइए भाई, बिल्कुल ओके है। आप मुझे इसकी वेरिएशन दिखानी है भाई एल के साथ, ठीक है, किसकी, करंट के साथ, ठीक है। चलो सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताइए, सर्किट मेरा कौन सा राजे, आर एल सर्किट है, इसका मतलब जो करंट होगा यहाँ पे वो क्या होगा, लैगिंग नेचर का होगा। आपने सीरीज आर एल सर्किट में देखा है भाई, उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, कहाँ पे आपका इंडक्टर सॉरी करंट लैगिंग होगा, कहाँ पे लीडिंग होगा, कहाँ पे जनटी होगा, करेक्ट हो इतनी बात। तो आर एल है तो लैगिंग नेचर का होगा। अगर मान लीजिए मैं वोल्टेज को रेफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वोल्टेज को मैंने क्या ले लिया राजे, रेफरेंस, करेक्ट हो इतनी बात। तो इसकी फेज वैल्यू को मैंने रेफरेंस ले लिया। अब मुझे आई टी की वेरिएशन निकालनी है बाय वेरिंग एल, करेक्ट हो इतनी बात। चलिए अगर मान लीजिए एल की वैल्यू मेरी जीरो है, ठीक है, तो जब मेरा एल ज़ीरो होगा उस केस में जो एक्स एल की वैल्यू होगी, एक्स एल क्या है, ओमेगा इंटू एल है, तो एक्स एल भी क्या हो जाएगा राजे मेरा, बोलो जी, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स एल ज़ीरो है तो इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। ये जो एल है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जेड इज इक्वल टू आर प्लस जी ओमेगा एल, करेक्ट हो इतनी बात। इसका मतलब इस एल की वैल्यू जीरो, तो जेड क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्लियर। उस केस में अगर मैं करंट आई की बात करूँ, करंट आई किसके इक्वल हो जाएगा राजे, ये जो जेड की मैग्नीट्यूड है राजे, इस ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, यही होता है भाई, ठीक है। जब एक्स एल जीरो हो गया, इसका मतलब जो करंट आई है इसमें जेड में तो सिर्फ क्या रह जाएगा राजे,
आर ही रह जाएगा, तो वोल्टेज बटा क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस रह जाएगा, ठीक है, तो वी बाई आर करेक्ट हुई इतनी बात। अगर थीटा की बात करूँ, ये जो आपका एंगल है दैट इज़ ओमेगा एल की वैल्यू जीरो है, अगर ये जीरो है डिवाइड बाय आर है, टेन इनवर्स जीरो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बोलिए जी, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। क्लियर अभी पॉइंट? चलिए ये मेरे पास हो जाएगा राजे 0 डिग्री। इसका मतलब जो करंट स्टार्टिंग होगी, ये 0 डिग्री वाला पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब जब मेरे पास एल की वैल्यू जीरो है, उस केस में जो करंट आई है उसकी वैल्यू कितनी है राजे, बी आर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ भाई, मान लीजिए इतनी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है राजे, ये मेरे पास क्या है, बी बाई आर है, ठीक है। लेकिन किस एक्सेस पे दिखाएंगे बोलो जी, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू है राजे वो कितनी आई, 0 डिग्री, मीन्स वोल्टेज और करंट के बिटवीन जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। ये मैंने करंट आई की वैल्यू यहाँ पे दिखा दी है, करेक्ट हो इतनी बात। चलिए यहाँ तक क्लियर है भाई। अब नेक्स्ट आप एल की वैल्यू को और वेरी करिए भाई, और देखते हैं क्या क्या आपके पास आंसर आने वाला है, ठीक है। सेकंड केस में मान लीजिए मैंने एल को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। एल अगर मेरा इंक्रीज़ होगा, एल की वैल्यू को मैंने इंक्रीज़ कर दिया, जैसे ही एल मेरा बढ़ेगा तो उसके साथ जो एक्सेल है राजी उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि एक्सेल के आपके पास ओमेगा इंटू एल है। अगर एल बढ़ेगा तो एक्सेल भी मेरी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। चलिए एक्सेल बढ़ा, एक्सेल बढ़ने के साथ आपके पास जो इम्पीडेंस जेड है वो भी मेरा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्यों, जेड में क्या है भाई, आर प्लस एक्सेल है। अगर ये एक्सेल की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, एक्सेल की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होगी, इसका मतलब जेड भी मेरा बढ़ेगा। अगर जेड मेरा बढ़ेगा, इसका मतलब जो मेरा करंट आई है इसकी वैल्यू क्या होगी राजी, कम होगी, क्योंकि ये जो बी डिवाइड बाई जेड होता है ना, तो करंट कम होगा। और थीटे की अगर मैं बात करूँ, थीटा क्या होगा राजी, ये जो ओमेगा एल है, अगर ये चीज़ इंक्रीज़ होगी, ठीक है, तो टेन में जितना थीटा बढ़ता जाता है उतना आपके पास उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। इसका मतलब थीटा क्या होगा आपका, इंक्रीज़ होगा, राइट। और आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गया, थीटा इंक्रीज़ होगा, थीटा इंक्रीज़ मेरा ऊपर को होगा या नीचे को होगा बताइए जल्दी से, नीचे को होगा, बिकॉज जो करंट होगा राजे वो क्या, लैगिंग नेचर का होगा। लैगिंग नेचर का क्यों होगा, क्योंकि मेरे पास इंडक्टेंस इंडक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, करेक्ट हो इतनी बात। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बात करूँ आपकी करंट की वैल्यू की, वो बी बटा आर से क्या होगी, पहले से कम होगी, ठीक है। यहाँ तक था आपके पास बी बाई आर, क्लियर, ये वैल्यू मेरी कम होगी। अगर यहाँ तक मेरा जा रहा था पहले एट 0 डिग्री, जब एल जीरो था, अब इस केस में इसकी वैल्यू पहले से क्या आएगी राजी, कम आएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं और एल की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब मेरे पास एल की वैल्यू मैं इन्फिनाइट ले लूँगा, ऐसे ऐसे मैं इंक्रीज़ करता गया, जैसे जैसे इंक्रीज़ करता गया अप टू इन्फिनाइट ले गया, उस केस में एक्सेल भी मेरा क्या हो जाएगा राजी, इन्फिनाइट हो जाएगा, और जेड भी क्या हो जाएगा राजी, इन्फिनाइट हो जाएगा। और करंट आई होता बी बटा जेड, 1/इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। उस केस में जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, टेन इनवर्स इन्फिनाइट क्या होता है राजी, आपका 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब जो पॉइंट है यहाँ पे ही डॉट वन के रह जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि करंट की वैल्यू कितनी है राजी, 0 है। इसका मतलब जब मैं इसका पूरा ट्रेस कवर करूँगा, ट्रेस की वजह से मेरे पास क्या आ जाएगा राजी, बोलिए उस ट्रेस की वजह से यहाँ पर एक हेमिस्फीयर मुझे दिखेगा, ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे ही आपका आता जाएगा और ये मेरे पास एक हेमिस्फीयर बनेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं डिफरेंट टाइप ऑफ करंट की वैल्यू दिखाऊंगा भाई, ठीक है। जैसे जैसे एल मेरा बढ़ता जाएगा, जो मेरी करंट की वैल्यू है राजे वो मेरी कम होती जाएगी, करेक्ट हो इतनी बात। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एल की वेरिएशन के साथ जब आप लास्ट पे ड्रॉ करोगे तो सभी इसको हम मिला देंगे, तो दैट इज़ रिप्रेजेंट सेमी, बोलो जी, सेमी सर्कल बनेगा, जिसका डायमीटर किसका कितना होगा, डायमीटर दैट इज़ इक्वल टू जे डायमीटर होगा भाई, कितना, वी बाई आर। जहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइए भाई, ठीक है। तो आपने भाई आई टी की वेरिएशन देख ली, और आई टी का जो लोकस बनेगा दैट इज़ सेमी सर्कल बनेगा, जिसका डायमीटर कितना होगा, वी बाई आर होगा, करेक्ट हो इतनी बात। तो ये बस दोनों बातें ही आपने हर एक केस में भाई डिफाइन करनी है, पहले एल को जीरो रखा, फिर एल की वैल्यू को इनक्रीज़ किया, तीसरे नंबर पे आपने क्या किया बोलो, तीसरे नंबर पे आपने एल को इनफिनाइट ले लिया, करेक्ट हो इतनी बात। जैसे ही इनफिनाइट लेंगे करंट मेरा जीरो होगा,
ये जो करंट की वैल्यू राजी ये मेरी जीरो होगी, ठीक है, जीरो तो वही पॉइंट मेरा बन के रह जाएगा, करेक्ट हुई इतनी बात। ऐसे ही मेरा एल जैसे ही इंक्रीज़ होगा, ठीक है, एल जैसे ही इंक्रीज़ होगा तो उस केस में क्या होगा राजी, बोलो जल्दी से। जैसे ही एल मेरा इंक्रीज़ होगा उस केस में मेरी जो जेड की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन करंट मेरा ये देखो पहले इतना था, ये बी वाई आर की लाइन है, ठीक है, इससे क्या कम होना स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट हुई इतनी था बात। ये लगातार आपका कम ही रहेगा, ठीक है, जब जब सभी टिप को मिला देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा राजे, सेमी सर्कल बन जाएगा जिसका डायमीटर आपका बी वाई आर है, करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए अब सेकंड पैरामीटर को वेरी करते हैं, केस नंबर टू देखिए भाई, केस नंबर टू, ठीक है, इस केस में हमने किसको वेरी किया था भाई, इंडक्टर को किया था, इस केस में बताओ किसको वेरी करें, जल्दी से बताओ इसको, इस केस में हम रेजिस्टेंस को वेरी करके देख लेते हैं भाई, ठीक है, ये है आर, ये है एल, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी मान लिए जे है, जे मेरे पास करंट आई ऑफ टी है, तो आई ऑफ टी करंट की तो वैल्यू आपको पता है भाई, वोल्टेज बाई जेड होगा, बोलो जी, और एंगल कितना होगा, माइनस ऑफ थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेन इनवर्स, हाँ जी, चलो पहले इम्पीडेंस देख लेते हैं, जेड कितना होगा, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर जे होगा, और एक्स एल होगा आपका ओमेगा इंटू एल होगा, थीटा आपके पास टेन इनवर्स एक्स एल बाई आर होगा, ठीक है, यही पॉइंट है भाई आपके, ठीक है। अब मैं किसको वेरी करना है, बोलो जी, रेजिस्टेंस को वेरी करना है, ठीक है जी, तो रेजिस्टेंस को कैसे वेरी करेंगे, पहले आर की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे, फिर आर को इंक्रीज करके देखेंगे, फिर आर की वैल्यू को इनफिनाइट रखेंगे, ठीक है जी, जहाँ तक करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए अब मेरे पास बताइए, जब मेरे पास आर की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, जैसे ही आर ज़ीरो होगा मेरे जेड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, जेड मेरा एक्स एल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और करंट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वोल्टेज डिवाइड बाई एक्स एल हो जाएगा, ठीक है, और उसका जो थीटा होगा राजे वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, बोलो 90 डिग्री हो जाएगा भाई, जो कि इमेजिनरी पार्ट तो मेरा प्रेजेंट रहेगा, ये जीरो हो गया ना, टेन इनवर्स कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू डिवाइड बाई ज़ीरो मीन्स इनफिनाइट, टेन इनवर्स इनफिनाइट की वैल्यू कितनी होती है राजे, 90 डिग्री, ठीक है, जैसे इस केस में आपके पास आ गया था, करेक्ट हो इतनी बात। तो 1 डिवाइड बाई इनफिनाइट क्या हो जाएगा आपका, बोलो 1 डिवाइड बाई 0 इनफिनाइट, और इनफिनाइट क्या होता है, 90 डिग्री, क्लियर है भाई पॉइंट। चलिए इसका मतलब अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस ले लूँ, ये मान लीजिए वोल्टेज को मैंने रेफरेंस लिया, ठीक है, ये वोल्टेज को मैंने रेफरेंस लिया, जब मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, उस केस में मेरा एंगल कितना आएगा राजे, बोलो, प्योरली इंडक्टिव बचेगा, मीन्स -90 डिग्री, क्योंकि आपके पास ये करंट का एंगल है कितना, माइनस थीटा, थीटा कितना है 90, इसका मतलब माइनस थीटा कितना हो जाएगा, -90, ठीक है, तो बिल्कुल नीचे को आपकी लाइन आपके पास बनने वाली है, ठीक है, बिल्कुल नीचे जो लाइन होगी उसकी जो लेंथ होगी राजे वो कितनी होगी, जल्दी से बताओ, जितनी अभी आपने निकाली है भाई, कितनी निकाली है, बोलो जी, बी वाई एक्स एल, करेक्ट हुई इतनी बार, तो यहाँ पे बी वाई एक्स एल आपकी लाइन आ जाएगी, ठीक है जी, तो ये मेरे पास इस लाइन की जो लेंथ होगी दैट इज़ वी डिवाइड बाई एक्स एल, क्लियर। अब अगर आर टेन टू इन्फिनाइट पे देखूँ तो जेड कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और जो थीटा होगा राजे वो भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये था जब आर इक्वल टू ज़ीरो थी, आर इक्वल टू इन्फिनाइट पे जो वैल्यू आने वाली है मेरे पास करंट की वो कितनी आ रही है भाई, ज़ीरो आ रही है, मीन इस पॉइंट पे आके मिल जाएगा, ठीक है, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ इसी पॉइंट पे आके आपकी टिप रुक जाएगी, करेक्ट हो इतनी बात। इसका मतलब ये हुआ, पहले अगर मैं थीटा वेरी करूँगा तो उस केस में भी आपका सेमी सर्कल ही बनेगा, ठीक है, लेकिन उसकी जो लेंथ होगी राजे वो इस केस में कितनी हो जाएगी, बी वाई एक्स एल हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज जैसे ही मैं आर को इंक्रीज़ किया जेड मेरा बढ़ेगा, अगर मैं करंट की बात करूँ वो पहले से क्या होगा राजे, कम होगा, क्लियर है भाई पॉइंट। और थीटा जो होगा राजे वो बताइए उस थीटा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, थीटा मेरा पहले से कम होगा, कैसे कम होगा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स एल वाई आर है, आर कम होगा मीन्स इसकी जो रेशियो है वो बढ़ेगी, बोलो एक्स एल वाई आर है ना, ठीक है, तो आर को मैंने इंक्रीज़ किया, आर जैसे ही मेरा इंक्रीज़ करेगा इस पूरे डोमिनेटर की जो वैल्यू है, सॉरी पूरे फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो कम होगी,
थीटा जैसे ही कम होगा, सॉरी इस रेशो जैसे ही कम होगी, ये जो मेरे पास टेन इनवर्स है वो भी क्या हो जाएगा, पूरा ओवरऑल कम हो जाएगा। मीन्स थीटा मेरा क्या होगा इस केस में, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, इसका मतलब थीटा पहले क्या था, ये 90 डिग्री बना रहा था, ठीक है, जहाँ पे ये कितना था 90 डिग्री, अब कम होगा। ठीक है, कम होने का मतलब क्या है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो इसको भाई सही करके बना लेना आप। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ऐसे ऐसे आपकी वेरिएशन आएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके करंट की वैल्यू कम कम होती होती लास्ट पे कितनी आ जाएगी राजी, 0 आ जाएगी। करेक्ट हुई इतनी बात? तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है भाई, सेमी सर्कल ही बन रहा है आपका। ऐसे भी हो सकता है जी आपकी माइनस वाई एक्सेस के अलॉन्ग बन रहा है। ठीक है, पहले आपका एक्स एक्सेस के अलॉन्ग बन रहा था, ठीक है, लेकिन इसका जो डायमीटर है वो कितना होगा, इन दिस केस डायमीटर इज वोल्टेज डिवाइड बाई एक्स ऑफ एल। करेक्ट हुई इतनी बात? तो बस आपने पैरामीटर को जस्ट वेरी करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे जो गेट में आए हुए हैं, ठीक है, उसके साथ आपको और ये आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कैसे करना है। तो केस नंबर 3 देखते हैं भाई, केस नंबर 3 मान लीजिए मेरे पास वोल्टेज है, एक मान लीजिए रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक कैपेसिटर का केस देख लेते हैं भाई। वोल्टेज की मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं, आई एफ टी है, यहाँ पे आर हो गया, जे आपके पास क्या हो गया राजी, सी हो गया। करेक्ट हुई इतनी बात? चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इम्पीडेंस की बात करूँ जेड की, वो आर माइनस जे डिवाइड बाई ओमेगा सी हो जाएगा भाई। करेक्ट हुई इतनी बात? चलिए, और जो अगर मैं थीटा की बात करूँ, थीटा किसके इक्वल होगा राजी, माइनस का एंगल होगा टेन इनवर्स व एक्स सी, इसको एक्स सी भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको पहले हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिफाइन करते हैं भी, एक्स सी दैट इज इक्वल टू, बोलो कितना होता है, एक्स सी दैट इज़ 1 डिवाइड बाई ओमेगा इंटू सी। ठीक है, और अगर मैं जेड की बात करूँ, इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं, आर माइनस जे एक्स ऑफ सी। ठीक है जी, और अगर मैं यहाँ पे आपकी वैल्यू निकालूँ, किसकी वैल्यू निकालूँ बोलो जी, थीटा की वैल्यू निकालूँ, वो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स सी डिवाइड बाई आर, यहाँ पे नेगेटिव आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यही चीज़ हम पहले निकाली थी, यही चीज़ अब हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, और करंट आई आपके पास सेम हो जाएगा भाई, वोल्टेज डिवाइड बाई इम्पीडेंस जेड। ठीक है, चलिए, अब मैं वेरिएबल रख रहा हूँ भाई आपके कैपेसिटर को, जब सी मेरे पास 0 होगा, अगर सी 0 है तो एक्स सी क्या हो जाएगा राजे, इन्फिनाइट हो जाएगी। अगर एक्स सी इन्फिनाइट है तो मेरा इम्पीडेंस जेड भी क्या हो जाएगा राजे, इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर जेड इन्फिनाइट है तो करंट मेरा क्या हो जाएगा, 0। अगर करंट 0 है तो इसका मतलब एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री। ठीक है, आप पुट करके देख लेना भाई, एक्स सी की वैल्यू पुट करो, इन्फिनाइट डिवाइड बाई आर इन्फिनाइट होगा, टेन इनवर्स इन्फिनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है, मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, चलिए, आर की वैल्यू अगर मैं निकालूं, सॉरी दूसरा केस, सी को हम इंक्रीज करेंगे, थर्ड केस में सी को इनफाइनाइट करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे जो थीटा होगा आपका माइनस 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 90 डिग्री, लेकिन जो करंट का एंगल होता रहा जो वो माइनस थीटा होता है, मीन्स प्लस 90 डिग्री, और आना भी चाहिए बिकॉज आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर मीन्स वोल्टेज से करंट क्या करेगा, लीड करेगा। सही हुई मेरी बात? चलिए, इसका मतलब ये हुआ, सी को जैसे ही मैं इंक्रीज करूँगा तो आपका एक्स सी क्या होगा राजे, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। करेक्ट हुई इतनी बात? एक्स सी अगर कम होगा तो इसका मतलब जेड भी मेरा क्या हो जाएगा राजे, डिक्रीज होगा। ठीक है, जेड कम हो गया इसका मतलब करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और थीटा की वैल्यू क्या करेगी राजे, डिक्रीज करेगी। क्लियर? क्योंकि एक्स सी आपका क्या करेगा, कम होगा, एक्स सी कम होगा मीन्स टेन का इनवर्स का एंगल कम होगा, तो इसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, इनफिनाइट पे मैं बात करूं, एक्स सी तो 0 हो जाएगा, बोलो जेड मेरा प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा भाई। ठीक है, और करंट आई की वैल्यू वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस हो जाएगी, और जो थीटा होगा वो क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफिकली देखें इसको, तो ग्राफिकली कुछ इस टाइप का आएगा आपके पास, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ये मान लीजिए वोल्टेज का रेफरेंस है, ठीक है, जब सी मेरा 0 था उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री,
और उसकी करंट की वैल्यू कितनी है भाई, ज़ीरो। तो ज़ीरो पे देखो मैंने रुको दिया, यहाँ पे ज़ीरो पे रुक गया। इसके बाद जैसे जैसे मैं सी को इंक्रीज़ करूँगा, मेरे करंट आई की वैल्यू वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। और जब सी टेंड टू इन्फिनाइट होगा उस केस में थीटा मेरा 0 डिग्री है, करंट मेरा किसके पास हो जाएगा राजे, वी वाई आर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले मेरा थीटा 90 डिग्री होगा, फिर 90 से अगर मैं रेफरेंस ले लूँ डॉटेड लाइन से, इसका मतलब पहले तो ये 90 डिग्री था, इसके बाद कम होता 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 सी टेंड टू इन्फिनाइट पे कितना हो जाएगा राजे, 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू होगी राजे सी टेंड टू इन्फिनाइट पे, उस करंट आई की जो वैल्यू है दैट इज़ वोल्टेज बाई, ये जो लेंथ होगी राजे दैट इज़ वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो वैल्यू पहले 0 थी धीरे धीरे बढ़ेगी, बढ़ती बढ़ती कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, करेक्ट हुई इतनी बात। तो यहाँ पे भी राजे आप देख सकते हैं एक सेमी स्पीयर ही बनेगा, तो सेमी स्पीयर आपके पास बन जाएगा, ठीक है। पहले 0 था, फिर हल्के हल्के से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जब सभी पॉइंट को हम जोड़ेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा राजे, एक सेमी सर्कल बन जाएगा, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी राजे वो वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपके पास क्या बन जाएगा, एक सेमी स्फीयर बन जाएगा, करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए तो इसका मतलब, इसको मैंने ऊपर क्यों बनाया राजे, इसको ऊपर क्यों दिखाया, क्योंकि इस केस में जो करंट है आपका वो क्या करेगा, लीड करेगा, ठीक है। क्योंकि सर्किट के अंदर क्या राजे, कैपेसिटर है, करेक्ट हुई इतनी बात। तो भाई इस टाइप की जो डायग्राम होती है उसको हम लोकस डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने करंट का देखा था, ठीक है। आगे फिर गेट में एक तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देख लेते हैं और देखते हैं उसका क्या आंसर आपके पास आता है, करेक्ट हुई इतनी बात। तो देखिए वन, देखिए भी आ साइनसोइडल सोर्स ऑफ वोल्टेज बी एंड फ्रीक्वेंसी एफ इज कनेक्टेड टू ए सीरीज सर्किट वेरिएबल रेजिस्टेंस गिवन है भाई एंड फिक्स्ड रिएक्टेंस एक्स एल, द लोकस स्टेप ऑफ द करंट फेजर आई एज आर इज वेरीड फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट इज, ठीक है। तो सेम केस भाई हम कर चुके हैं, क्या बोल रहे हैं, एक सीरीज, एक आपके पास वोल्टेज सोर्स है भाई, वो सीरीज रेजिस्टेंस और एक्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ये एक्स है ये आर है, इसमें आर आपका वेरिएबल है, ठीक है। ये वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी है, ये सर्किट आपका गिवन है भाई, ठीक है। यहाँ से करंट कोई आई टी होगा, उस आई टी का आपने फेजर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये केस हम पीछे देख चुके हैं भाई ऑलरेडी, जिसमें रेजिस्टेंस आपका वेरिएबल था। तो ये था भी केस नंबर, यहाँ पे इंडक्टर वेरी था। केस नंबर टू, इसमें आपका रेजिस्टेंस वेरी था भाई, ठीक है। ये दिखा दो, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका वेरिएबल था सेकंड केस में, ये करेक्ट करो भाई। तो जब मेरा रेजिस्टेंस वेरिएबल था, आई टी का फेजर मुझे ड्रॉ करना था, इसमें क्या बना था भाई, सेमी सर्कल बन गया था, और इसका डायमीटर क्या था, वी डिवाइड बाई एक्स एल था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स एल की वैल्यू कितनी गिवन है, एक्स गिवन है, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राजे वो क्या हो जाएगा, बोलो, एक सेमी सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल, और किसी में सेमी सर्कल है, नहीं है, ठीक है, जिसका रेडियस वी बाई एक्स है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है, आर की वैल्यू को 0 लेना है, आर को इंक्रीज करना है, आर की वैल्यू को इनफिनाइट ले लेना है, करेक्ट है इतनी बात। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राजे, ऑप्शन ए, करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर टू। तो मेरे पास ये एक फिगर गिवन है भाई, इन द गिवन फिगर ऑल फेजेस आर विद रेस्पेक्ट रेफरेंस टू द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 0, द लोकस ऑफ वोल्टेज फेजर वाई वी एक्स एज आर इज वेरीड फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट इज शोन बाई, ठीक है। ये मेरे पास दो पॉइंट गिवन है भाई, ये पॉइंट वाई है, सपोज दिस पॉइंट इज एक्स, करेक्ट हुई इतनी बात। तो इस केस में आपने वोल्टेज वाई ऑफ एक्स का वेरिएशन निकालना है, ठीक है। तो एक्स और वाई का वेरिएशन जब भी निकालना हो, जिसकी भी आपने फेजर ड्रॉ करना हो उसको आप निकाल लो, और जिसको वेरी रखना है उसको भी निकाल लो, ठीक है। तो आप इजीली भाई यहाँ से निकाल सकते हो, करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए तो हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, वाई वी एक्स निकालना होगा, ठीक है। वाई वी एक्स जैसे ही मेरा निकलेगा उसके साथ मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो निकालो जल्दी से वाई वी एक्स, ये वोल्टेज वाई ऑफ एक्स निकालिए भाई, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव गिवन है, यहाँ पे पॉजिटिव, इसका मतलब वोल्टेज ऑफ वाई ऑफ एक्स हमें निकालनी है, करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए मान लीजिए यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है भाई, करंट आई अगर जाएगा तो यहाँ पे भी आई होगा, यहाँ पे भी आई जाएगा, आई जाएगा, ये तो ओपन सर्किट है राजी, इधर करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब इधर भी आपका करंट क्या जाएगा, आई ही जाएगा, ठीक है। इस लूप में आप केवीएल अप्लाई करिए और देखिए क्या आपके पास आ रहा है, ठीक है।
ये जो सी है इसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी में कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस जे डिवाइड बाई ओमेगा इंटू सी, यही होता है भाई। ठीक है, तो जल्दी से अप्लाई करिए अभी केवीएल। ठीक है, अप्लाई करोगे जैसे ही इसको प्लस माइनस ज्यूम कर लो भाई, प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, माइनस बी प्लस आई इंटू आर इंटू माइनस आई इंटू जे डिवाइड बाई ओमेगा इंटू सी दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ टू बी दैट इज़ इक्वल टू आई, मेरा कॉमन आ जाएगा आर माइनस जे डिवाइड बाई ओमेगा इंटू सी, करेक्ट हो इतनी बात? तो ये चीज़ भाई मेरी यहाँ से आ जाएगी, करेक्ट हो इतनी बात? अब मुझे वोल्टेज वी की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, यहाँ पर आप वी निकाल लो चाहे आप करंट आई निकाल लो। करंट आई की जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली है दैट इज़ इक्वल टू टू बी डिवाइड बाई आर माइनस जे डिवाइड बाई ओमेगा इंटू सी, करेक्ट हो इतनी बात? तो ये मेरे पास भाई करंट आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, क्लियर? तो अगर करंट आई की वैल्यू आपके पास मिल गई है, तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ अपना वोल्टेज वी ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये करंट आई आपको मिल गया है भाई, ये करंट आई मिल गया, तो आप इसी लूप में अप्लाई कर दो केवीएल। ठीक है, तो इस लूप में जैसे ही अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा राजी, इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो जो आपका नीचे आंसर आया था भाई। तो करंट आई की जो वैल्यू है दैट इज़ टू वी डिवाइड बाई आर माइनस जे, वन बाई एक्स वन बाई ओमेगा सी को लिख दो आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है जी, मान लीजिए आपके करंट आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस लूप में अप्लाई करो भाई, इस लूप में अप्लाई करो, कितना आएगा माइनस बी प्लस आई इंटू आर, ठीक है, ऐसे जाएगा तो पॉजिटिव, कितना प्लस वोल्टेज वाई ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, करेक्ट हो इतनी बात? तो वी वाई ऑफ एक्स की जो वैल्यू जहाँ पे आने वाली है दैट इज़ वोल्टेज प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट आई की वैल्यू आपने निकाल रखी है भाई, यहाँ पे पुट कर दो, तो वोल्टेज ऑफ वाई ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू वोल्टेज प्लस, हाँ जी, आई की वैल्यू कितनी है टू बी डिवाइड बाई आर माइनस जे एक्स सी इंटू कितना रहा जी आर है, क्लियर अभी पॉइंट? तो इस पॉइंट पे मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी है, क्लियर? अब दोनों इक्वेशन का हम कैसे निकालें, दोनों का भाई हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और बताइए जी कितना आंसर आपके पास आ रहा है, क्लियर अभी पॉइंट? चलिए जी, तो इस केस में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास वाई वी एक्स, लिखिए वोल्टेज ऑफ वाई वी एक्स दैट इज इक्वल टू आर माइनस जे एक्स सी, जे मेरा एलसीएम आ जाएगा और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो भाई जल्दी से, कितना होगा वी इंटू आर माइनस जे एक्स सी प्लस, हाँ जी, आगे क्या बचेगा, जे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे बचेगा टू वी आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे टू वी आर, करेक्ट हुई इतनी बात? जहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो बताइए भाई जल्दी से। तो भाई यहाँ पे एक हमारी गलती हो गई है, यहाँ पे ये देखो वोल्टेज वी इधर जाके पॉजिटिव हो गया जी, आई आर वी इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो भाई। चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, वाई ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ये जो वी है और ये वी है दोनों कॉमन आ जाएंगे भाई, बाहर आ जाएगा आर माइनस जे एक्स सी, अंदर क्या बचेगा माइनस टू आर डिवाइड बाई आर माइनस जे एक्स सी, करेक्ट हो इतनी बात? तो वोल्टेज ऑफ वाई ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, वी ये माइनस टू आर है, ये प्लस आर है तो माइनस आर माइनस जे एक्स एस, तो हम नेगेटिव को बाहर निकाल लेते हैं भाई, तो अंदर बचेगा आर प्लस जे एक्स सी डिवाइड बाई नीचे बचेगा आर माइनस जे एक्स सी, करेक्ट हो इतनी बात? चलिए जी, तो जे मेरे पास भाई फाइनल वोल्टेज की वैल्यू आ गई है जो आपने निकालनी थी। अब मुझे आर को वेरी करना है, आर को वेरी करेंगे उसके साथ मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आर को ज़ीरो रख के देखो वोल्टेज वाई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से बताओ, आर जीरो है, ये जीरो हो जाएगा, जी एक्स के साथ जी एक्स कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्टेज ऑफ वाई ऑफ एक्स की जो वैल्यू है दैट इज़ प्लस बी। ठीक है, कब, जब आर मेरे पास जीरो है। ऐसे ही अगर आर को मैं इन्फिनाइट ले लूं, आर टेन टू इन्फिनाइट ले लूं, ठीक है, उस केस में क्या होगा भाई जल्दी से बताओ, वोल्टेज ऑफ वाई ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस बी, हाँ जी, ऊपर से आर कॉमन लो नीचे से आर कॉमन लो, ठीक है, तो क्या बचेगा वन प्लस जे एक्स सी बाई आर,
वन माइनस जे एक्स सी बाई आर, ठीक है। अब आर को क्या रख देंगे, इन्फिनाइट, ये हो जाएगा इन्फिनाइट, ये भी हो जाएगा इन्फिनाइट, वन डिवाइड बाई इन्फिनाइट ये पूरी टर्म हो जाएगी राजे जीरो, ये भी पूरी टर्म क्या हो जाएगी जीरो, तो वन प्लस जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है वन प्लस जीरो, वन वन माइनस जीरो वन, तो आर के साथ आर आपका क्या हो जाएगा राजे, कैंसिल हो जाएगा। तो आर टेन, जब आर की वैल्यू इन्फिनाइट होगी उस केस में वोल्टेज वी वाई एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी राजे, माइनस वी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ तो कन्फर्म होगी, जब मैं आर को जीरो से इन्फिनाइट वेरी करूँगा, जो मेरी वोल्टेज होगी वोल्टेज वी वाई ऑफ एक्स दैट इज़ वेरी फ्रॉम प्लस बी टू माइनस बी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये अगर मैं प्लस बी मान के चलूँ, ठीक है, रास्ते में कहीं जीरो आएगी फिर कहाँ पे जाएगा, माइनस बी पे जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसका डायमीटर की बात करूँ, डायमीटर कितना हो जाएगा, टू वी हो जाएगा, करेक्ट हो इतनी बात। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, ऑप्शन में टू बी सभी का आ रहा है भाई, सभी का टू बी ही गिवन है, ठीक है, जीरो से टू बी, ये भी टू बी है, ये भी टू बी है, टू बी है, टू बी है, ठीक है। अब हमें ये देखना है, अब मेरा जो सर्कल है वो ऊपर को जाएगा या नीचे को जाएगा, ठीक है, इस चीज़ के बारे में अभी हमने देखना है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये जो वोल्टेज की मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर वन, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर ए दे दो, ये मेरे पास स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर मैं इसका एंगल निकालूँ, एंगल ऑफ वी वाई ऑफ एक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं राजे, थीटा, मान लिया थीटा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये जो नेगेटिव होता है राजे, इसका 180 हो जाएगा, 180 प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो, प्लस ऊपर आपके पास इसका एंगल आ जाएगा, इसका एंगल क्या हो जाएगा राजे, टेन इनवर्स, हाँ जी बोलो, टेन इनवर्स एक्स सी बाई आर, ठीक है। अब जो डिवीजन वाला एंगल होता है, ये ऊपर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, ये ऊपर जाके नेगेटिव का हो जाएगा भाई, टेन का इनवर्स, हाँ जी इसकी एक्स सी कितनी है, माइनस एक्स सी डिवाइड बाई कितना राजे, आर, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 180 डिग्री प्लस टू टेन का इनवर्स एक्स सी बाई आर, करेक्ट हुई इतनी बात, दे थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा मुझे बताएगा इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ पे जाने वाली है, करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए, जब थीटा, जब आर की वैल्यू मैंने जीरो ली थी, क्वेश्चन में देखो जब आर की वैल्यू जीरो ली थी, वोल्टेज की वैल्यू कितनी राजे, प्लस वी है, इसका मतलब उस केस में अगर थीटा देखूं मैं, थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस आर की वैल्यू जीरो रखो भाई, एक्स सी वाई इन्फिनाइट हो गया, और एक्स सी वाई सॉरी जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट का मतलब क्या हो गया बोलो, टेन इनवर्स इन्फिनाइट मीन्स 90, 90 इंटू टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी राजे, 360 डिग्री, 360 डिग्री ले लो चाहे इसको 0 डिग्री बोल दो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या राजे, सेम है, इसका मतलब स्टार्टिंग पे जो मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो मेरा 0 डिग्री से होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सभी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री से ही है, ठीक है, तो 0 डिग्री से ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जब मेरे पास आर टेन टू इन्फिनाइट होगा उस केस में थीटा देख लेते हैं भाई क्या होगा, जब आर टेन टू इन्फिनाइट है उस केस में थीटा कितना है, 180 डिग्री प्लस टू टेन का इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स सी डिवाइड बाई इन्फिनाइट, ये पूरी टर्म जीरो होगी, टेन इनवर्स जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है। उस केस में थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा राजी, 180 डिग्री आ जाएगा, करेक्ट हो इतनी बात। तो उस केस में जो मेरे थीटे की वैल्यू आने वाली है दैट इज़ 180 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब 180 डिग्री जब मेरे पास वैल्यू रहेगी उस केस में, जो वोल्टेज वाई वी एक्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी, वोल्टेज वाई एक्स दैट इज इक्वल टू बोलो जी कितनी आई थी, जब आर टेन टू इन्फिनाइट था, ये देख सकते हो भाई उसकी वैल्यू कितनी है राजे, माइनस ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, माइनस बी वोल्ट, और जब मेरे पास आर जीरो था उस केस में वोल्टेज वाई ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है राजे, बोलो वोल्टेज वी के इक्वल है, करेक्ट हुई इतनी बात। इसका मतलब ये हुआ, पहले वोल्टेज पॉजिटिव है वी से, वैल्यू मेरी कम होगी, कम होने के बाद एक पॉइंट पे जीरो आएगी, ठीक है, जीरो के बाद फिर मेरी कहाँ पे जाएगी, माइनस बी पे जाएगी, करेक्ट हो इतनी बात। तो ऐसे ही मेरे पास जो वोल्टेज की वेरिएशन है वो ऐसे कुछ होने वाली है, करेक्ट हो इतनी बात जी, बोलो क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं आर की वैल्यू को वेरी करूँ, क्योंकि मुझे अब परफेक्ट मुझे इसका चाहिए भी किधर को जाएगा, ठीक है। अब मैं आर की वैल्यू को, ये देखो जी मेरे पास इक्वेशन है ना, आर की वैल्यू को अगर मैं एक्स ही रख दूँ, ठीक है, तो उस केस में बोलो क्या होगा, जब आर इज इक्वल टू
एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। जे मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई थी भाई थीटे की, तो उस केस में थीटा देखो कितना आ रहा है, थीटा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 2 टेन का इनवर्स एक्स सी बाई एक्स सी हो जाएगा, ठीक है। जे कैंसिल होके 1 हो जाएगा और टेन इनवर्स 145 डिग्री प्लस 2 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री हो जाएगा। कब? जब एक्स सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजे, सॉरी, जब आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स सी के इक्वल हो जाएगी। करेक्ट हुई इतनी बात? इसका मतलब ये हुआ, एंगल पहले 0 पे मेरा था 360 डिग्री, जब आर की वैल्यू, यहाँ पे आर देख लेते हैं, टेबल अगर मैं बनाऊँ, यहाँ पे आर देख लेते हैं, यहाँ पे उसका थीटा एंगल देख लें, जब 0 डिग्री था उस केस में मेरे पास ये कितना आ गया था राजे, 360 डिग्री, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे देखा, जब आर की वैल्यू मेरे पास एक्स सी है उस केस में ये 270 डिग्री आ गया, जब मेरे पास इनफिनाइट है तो उस केस में ये 0 डिग्री आ गया, ठीक है। इसका मतलब 360 से स्टार्ट होगा, फिर मेरे पास कम होता होता कहाँ पे पहुँच जाएगा भाई, 0 पे पहुँच जाएगा। करेक्ट हुई इतनी बात? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ, इसके ग्राफ का डायमीटर तो 2b ही होगा, ठीक है, डायमीटर 2b ही होगा, ठीक है। इसका मतलब जब मेरे पास इसकी वैल्यू आर इक्वल टू 0 थी, उस केस में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है राजे, वी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ, मुझे यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, और ये पॉइंट मेरे पास वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, जब आर इज इक्वल टू 0 है, मीन ये प्लस वी की लाइन बना देते हैं, लेकिन जब आर इज इक्वल टू इन्फाइनाइट था उस केस में कितनी आ रही है भाई, माइनस वी आ रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो लेंथ होगी राजे, ये होगी माइनस ऑफ बी। करेक्ट हुई इतनी बात? अब जब मेरे पास एक्स सी की वैल्यू, सॉरी, आर की वैल्यू एक्स सी है, उस केस में एंगल कितना राजे, 270 डिग्री ऐसे बनेगा, ठीक है। लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 है या कितना है, वो मुझे डिफाइन होगा इक्वेशन नंबर ए से, ठीक है। तो उस केस में वोल्टेज की वैल्यू निकाल देते हैं भाई, जब आर की वैल्यू एक्स सी है, तो वोल्टेज वाई ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस बी, बोलो जी कितना होगा, आर की वैल्यू पुट कर दो, एक्स सी प्लस जे एक्स सी डिवाइड बाई एक्स सी माइनस जे एक्स ऑफ सी, ठीक है, यही बनेगा भाई, ठीक है। तो इसकी मैग्नीट्यूड निकाल दो, वोल्टेज वाई वी एक्स दैट इज इक्वल टू बी दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स सी का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स सी का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर इसका अंडर रूट, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो मेरे पास आंसर है, ये मेरे पास कितना आ जाएगा राजे, वोल्टेज वी आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, वोल्टेज की कोई ना कोई मेरे पास वैल्यू आने वाली है, कब, जब आर इज इक्वल टू क्या है, एक्स सी, ठीक है। इसका मतलब इसका लोकस कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे तो प्लस या माइनस भी होगा, तो इसका मतलब आपके पास सेमी स्फीयर कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपकी वेरिएशन वही आ जाएगी हर एक पॉइंट पे, ठीक है, जैसे जैसे निकालूंगी, ठीक है। तो मेन आपका क्वेश्चन यही था कि आपकी जे आर इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है प्लस वी है, आर टेंड टू इन्फिनाइट पे वो कितनी है, माइनस वी है, और जे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो यहाँ से क्लियर हो गया भाई, वो आपका नीचे ही जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है, 270 डिग्री, 360 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 360 से स्टार्ट होगा, फिर मेरा वेरी वेरी करता करता कहाँ पर पहुँच जाएगा, 270 पे पहुँच जाएगा। करेक्ट हो इतनी बात? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न है तो भाई आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये जो थीटा था मेरा 180 डिग्री का आया था राजी, 180 डिग्री आपका आ गया था जब आर की वैल्यू 0 थी तो 360 आया था, जब आर की वैल्यू इन्फिनाइट थी तो यहाँ पे 180 आएगा भाई, इन्फिनाइट पे केस में 180, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये जो मेरा पॉइंट होगा, ये 360 डिग्री और 0 का होता है, और ये पॉइंट मेरा 180 डिग्री और माइनस 180 डिग्री का होता है, ठीक है, ये 270 का होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान से देखो, स्टार्टिंग मेरी यहाँ से होगी, ठीक है। इसका मतलब जब मेरे पास आर की वैल्यू 0 है उस केस में एंगल मेरा 360 है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस बी, तो मैंने यहाँ पे प्लस बी दिखा दिया, ठीक है। इन्फिनाइट पे वो कितना है, माइनस बी, ठीक है। इसके बिटवीन कितना होगा, आर 0 से सीधा तो इन्फिनाइट नहीं पहुँचेगी ना, आर की वैल्यू को मैं वेरी करूँगा, ठीक है, वेरी करूँगा, इसका मतलब ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करता करता लास्ट पे कितना पहुँच जाएगा, माइनस बी पहुँच जाएगा। करेक्ट हो इतनी बात? तो इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं देखूं, तो इसकी जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इसका मतलब इसकी ऑप्शन या तो ए होगी या तो बी होगी, क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो माइनस बी टू प्लस बी वेरी करेगा, ठीक है, बिटवीन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इधर को भी बी होगा, इधर को भी बी होगा, और नीचे को आएगा, ठीक है, नीचे को क्यों आ गया, क्योंकि आपका एंगल 270 आ रहा है, इसका एंगल कितना आ रहा है,
बोलो इसका एंगल आ रहा था भाई आपका पॉजिटिव में, ठीक है, मींस लेस देन 180 आएगा, ठीक है, या तो 135 140 के आसपास, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे को ही हमारा 1 रहा था जहाँ तक, ठीक है भाई। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं भाई, इंपॉर्टेंट था भाई आपका थोड़ा सा, बस आपने ध्यान से देखना है इसको, ठीक है, ऑप्शन को देखते ही आपने चलना है, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक और क्वेश्चन है, आ डीसी वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू अ सीरीज एलसी सर्किट ऑफ टर्निंग ऑन द स्विच एस एट टाइम टी इक्वल टू 0 एज शोन इन फिगर। अज्यूम आई 0 0 है, वोल्टेज बी नॉट 0 है, मींस इंडक्टर के थ्रू जो करंट जा रहा है उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, वोल्टेज की मेरी वैल्यू कितनी है भाई, जो कैपेसिटर के अक्रॉस है पहले जो वैल्यू थी वो 0 है, ठीक है। तो आई टी वर्सेज बी टी का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, स्विच को ऑन कर दो, स्विच जैसे ही ऑन होगी तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई, सर्किट में करंट आई है तो कितना होगा, -5 प्लस एल डी आई डिवाइड बाई डी टी प्लस, हाँ जी कैपेसिटर की वोल्टेज की फॉर्मूला क्या था भाई, बोलो जी, दैट इज बी सी 0 नेगेटिव, हाँ जी, प्लस 1/C आई इंटू डी ऑफ टी, ठीक है। इसकी वैल्यू तो भाई 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो एल की वैल्यू कितनी है 1, तो सिंपल डी आई डिवाइड बाई डी टी प्लस 1/C आई डॉट डी टी दैट इज इक्वल टू 5, लाप्लस ट्रांसफॉर्म ले लेंगे भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एस इंटू आई ऑफ एस माइनस आई 0 नेगेटिव प्लस 1/CS इंटू आई ऑफ एस दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये भी वैल्यू मेरे पास कितनी है राजे, 0, ठीक है। तो आई एस कॉमन निकालो, सी की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो क्या बचेगा, एस प्लस 1/S दैट इज 5, ठीक है। तो आई ऑफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एलसीएम आ जाएगा एस ऊपर कितना, एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई में रखिए, अभी इसको मल्टीप्लाई में ही रखा है, तो आई ऑफ एस की जो वैल्यू है राजी दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई, हाँ जी, इंटू एस करेंगे, नीचे आ गया एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है राजे, जल्दी से बताओ, इंटीग्रेशन में, सॉरी इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म में साइन का होता है या कॉस का होता है, जल्दी से बताओ भाई, लाप्लस ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। तो लाप्लस ट्रांसफॉर्म आप ऑलरेडी देख चुके हो, इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला होगा भाई, साइन और कॉस, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से रिकॉल करो सिस्टम को, ठीक है। तो भाई ये साइन का होता है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपने क्या निकालना था, आई टी और बी टी का आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखानी थी, ठीक है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको दोनों इक्वेशन का पता होना चाहिए भाई, ठीक है, कौन सा, जिनको ही साथ आपने जो भी चीज़ ड्रॉ करनी है उन दोनों क्वांटिटीज़ को आपको निकालना पड़ेगा, करेक्ट हो इतनी बात। तो आई टी की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, टेक इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म, तो आई ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा राजे, 5 इंटू साइन ए टी, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 5 साइन टी मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मुझे कैपेसिटर वोल्टेज चाहिए, ठीक है, बी सी, वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, बोलो जी, दैट इज़ 1/C 0 से टी इंटू आई इंटू डी टी है ना, यही है ना, तो डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। ग्राफ मुझे आई टी और बी टी का ही चाहिए था, इसका मतलब मैं क्या करूँगा, उन दोनों का रिलेशन निकाल लूँगा, बात ख़त्म, ठीक है। सी की वैल्यू 1 है तो 5 मेरा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस टी 0 से टी, तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस कॉस टी माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस मेरे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 1 माइनस कॉस टी, करेक्ट हो इतनी बात। तो मेरे पास वही बी ऑफ टी की भी वैल्यू आ गई है और आई ऑफ टी की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में ऑप्शन की बात करूँ, इसका किसके विद रिस्पेक्ट टू वही गिवन है वो मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। हाँ, ऊपर आई टी है, नीचे आपका बी ऑफ टी है, यहाँ पे आई टी वर्सेज वी ऑफ टी है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, आई टी, और यहाँ पे भी कितना है, बी ऑफ टी, सभी में ऐसा ही आपकी वेरिएशन है, ठीक है। चलिए, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर बी आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये तो क्लियर है ना, एक सर्कल बन रहा है, तो इसका मतलब सर्कल की कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में इन दोनों को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसका सिंपल सा वे यही है कि आप स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो दोनों को भाई, ठीक है। तो देखो भाई आपके पास क्या क्या बन रहा है, जल्दी से करें, इक्वेशन नंबर ए को स्क्वायरिंग करके आप ऐड कर दो, ठीक है। चलिए जी, कर दें भैया ऐड, इक्वेशन नंबर ए का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, आई ऑफ टी दैट इज इक्वल टू, बोलो,
फाइव का स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर टी। ऐसे ही जो वी ऑफ टी है इसको हम क्या करेंगे भाई, बोलो से। इसको भी हम क्या कर देंगे राजी, स्क्वेयरिंग कर देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, फाइव को पहले मल्टीप्लाई कर दो, 5 - 5 cos t। ठीक है, अब कर दो स्क्वेयरिंग। ठीक है, जैसे ही स्क्वेयरिंग करोगे आपके पास जो आंसर आएगा राजे वो क्या बन जाएगा, बोलो बोलो यार। तो आंसर आपके पास जो बन जाएगा दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आई स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर अभी होगा, बी स्क्वायर टी दैट इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा भाई 25 + 25 cos² t -2ab। ठीक है, 2ab, ए भी 5 है और बी भी 5 है। ठीक है, मीन्स 25 और 50 cos t। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। या फिर आप ऐसा करिए, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो भाई। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगी, ये इसको लिख दो भाई बी ऑफ टी -5 दैट इज इक्वल टू -5 cos t, ऐसे कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग कर दो। ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, बी ऑफ टी पे आप ले आओ। ठीक है, इसको 25 cos² t। ठीक है, ये मेरी पहली स्क्वेयरिंग थी, ये मेरे पास भाई दूसरी स्क्वेयरिंग है। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हम दोनों को कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, आप इसको सिंपलीफाई करना है तो सिंपलीफाई कर लो, अगर आप एज इट इज़ रखना है, क्योंकि हमें सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है y - y1 इसका स्क्वायर दैट प्लस x - x1 इसका स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू r का स्क्वायर। r रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को, इसको थोड़ा सा पहले लिखना, ये बाद में लिख लेना। ठीक है, अपोजिट लिख ली, इसको x - x1 कर दो भाई, इसको y - y1। ये आपका x1 और y1 रिप्रेजेंट करेगा आपका जो सर्कल है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, उसका सेंटर कहाँ पे है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका मेनली सेंटर, x1 और y1। करेक्ट हो इतनी बात, चलिए। इसको इसका मतलब इसको हम मैं उसी फॉर्म में लिख लेता हूँ जो ताजो मेरे पास लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म ही बन जाए। ठीक है, चलिए इसको मैं लिख लेता हूँ भाई, ये जो bt - 5 है सिंपल ऐसे लिख लेते हैं, bt - 5 इसका क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब 1 और +2 कर दो भाई, देखो कितना आ रहा है आपके पास। जैसे ही 1 + 2 करेंगे तो आई ऑफ टी का स्क्वायर प्लस bt - 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, हाँ जी 25 कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी राजे, 1। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख लेंगे भाई, आई का स्क्वायर प्लस वोल्टेज का स्क्वायर माइनस, सॉरी वोल्टेज इंडिविजुअल का स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा, वोल्टेज -5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब इसको जब मैं ग्राफिकली ड्रॉ करूँगा, इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये किस पॉइंट पे टच करेगा भाई, बोलो। ये इसका रेडियस तो 5 होगा, ठीक है, रेडियस तो 5 हो जाएगा, बिल्कुल ओके है। इसके बाद इसका जो सेंटर होगा वो एक्स की वैल्यू 0 होगी, और वाई की वैल्यू कितनी होगी राजी, बोलो। एक्स की वैल्यू 0 है और y1 की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से हटा के हम पॉइंट नंबर यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम हमारा जो रेडियस होगा राजे इधर को 5 है, तो इसका मतलब कुछ सर्कल इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी दैट इज़ 5। करेक्ट हुई इतनी बात, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, ये आपकी ऑप्शन हो जाएगी, दैट इज़ बिटवीन IT एंड बोलो BFT। करेक्ट हुई इतनी बात, तो ये मेरे पास भाई कुछ ऐसे इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स एक्सेस जो मेरी थी राजे वो आप ध्यान से देख सकते हो भाई, BT की इक्वेशन थी, और जो वाई एक्सेस है वो मेरी IT की इक्वेशन थी। ठीक है, तो bt - 5 था ना, इसका मतलब ये मेरा x1 होगा। ठीक है, और -0 लिख लो, ये मेरा y1 होगा। ठीक है, इसका मतलब यही पॉइंट आएगा ना आपका, जिस पे x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे 5 सर्कल का बना दो भाई, इसका मतलब 5 है इसका रेडियस, ये 5 पॉइंट पे था, इधर को कितना पहुँच जाएगा, ये 0 तक जाएगा। ठीक है, और इधर को किस पॉइंट पर जाएगा, ये 10 पॉइंट तक जाएगा। करेक्ट हो इतनी बात, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देखूँ ये कितनी हो जाएगी 5, अगर मैं नीचे से देखूँ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपको गिवन है, ऑप्शन देखो आपको IT वाई एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, BT आपका एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है अभी आपकी, x - x1 + y - y1।
ठीक है, इसका स्क्वायर करते जाएंगे इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये बताएगा रेडियस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल का होगा भाई एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, ये जो पॉइंट होते हैं वही मेरे बताएंगे एक्स वन। ठीक है, अगर मान लीजिए वाई वी टी मेरा यहाँ पे गिवन होता, आई टी मेरा यहाँ पे गिवन होता, ठीक है, तो एक्स एक्सेस किसके विद रिस्पेक्ट होती, आई टी के, और वाई एक्सेस वी टी के। ठीक है, इसका मतलब वी टी का जो कोफिशेंट होगा वो वाई वन को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपका एक्स वन को करेगा। ठीक है, उस केस में आपका सेंटर यहाँ पे हो जाता तो ग्राफ मेरा यहाँ पे बन जाएगा। करेक्ट हो इतनी बात? तो बस आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, करेक्ट हो इतनी बात? तो इस लेक्चर में बस इतना ही था भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।